वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज की क्यूज में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको डेली जीके एंड करंट अफेयर्स क्यूज का वीडियो रोज रात के 9 बजे मिल जाएगा और इस क्यूज में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन का टाइम होगा 5 सेकेंड। और इस क्यूज का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे FB पेज डेली GK एंड करंट अफेयर्स को भी लाइक कर लें। अगर आपको ये क्यूज अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज की क्यूज स्टार्ट करते हैं। आज की क्यूज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में विकसित देशों हेतु वीजा की जरूरतों को खत्म किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटों पर जीत हासिल हुई है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा सरकार और विश्व बैंकों ने छोटे किसानों की उत्पादन प्रणाली को बेहतर करने हेतु कितने करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, 16.5 करोड़ डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में किस पार्टी ने सर्वाधिक सीटों पर जीत दर्ज की है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, BJP ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पुलिस में महिलाओं की संख्या में कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा पेटा थुलल अनुष्ठान के दौरान उपयोग किए जाने वाले रसायन युक्त रंगों को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों की आयोजन समिति ने किस शहर में वर्ष 2024 में होने वाले ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का लोगो लॉन्च किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में UIDAI का नया CEO नियुक्त किया गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, पंकज कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में होने वाले क्लब फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, स्फिग्मोमेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय के पाचक रस के
उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, सिक्रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, कांगो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारी पता करने के यंत्र MRI का मतलब होता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, चुंबकीय रोजेनेंस चित्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, मीथेमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 37 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा डेल्टा के मैग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, सदाबहार वन। ये थी आज की क्विज। आपके इस क्विज में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्विज के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।